अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अभी जस्ट में हम लोग निकलने लगे हैं घर से। आप लोग कहते हैं डेली बेसिस पे व्लॉग शेयर कर दिया करें, तो बस मैंने कहा आज हम लोग जा रहे थे। आज एक्चुअली हमारी ना दावत भी है, मतलब आप कह रहे हैं बड़ी ग्रैंड वाली दावत है, तो हम लोग को वहाँ जाना था। बट सफ़र जो है ना काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, हमारा जो सफ़र है ना काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो वो हमें तय पानी के लिए ना उससे पहले अपनी पेट पूजा करनी थी। तो अभी ना अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, तकरीबन यहाँ पे टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं। बट हमें कुछ आइडिया नहीं था कि हमें ब्रेकफास्ट मिलेगा या तो हमें लंच मिलेगा। बट मैंने अली से ही कहा था कि आप मुझे लंच करवा दीजिएगा, पता नहीं वहाँ पे जाके हमें कितने ज़्यादा टाइम लग जाए और क्या कब मिलना है वहाँ पे, कहाँ कब तक पहुँचेंगे, क्या होगा, वो सब तो बाद की बात आ जाती है ना। अच्छा हम लोग ना, मेरा बड़ा दिल था कि मैं यहाँ पर टेस्टी डिलाइट आऊँ और ना ये बिरयानी खाऊँ कराची की। पूरे दुबई, पूरे यूएई में ना आपको कहीं पर भी इतनी अच्छी बिरयानी नहीं मिलेगी। मतलब कराची वाले हो ना, तो कराची वालों को स्पेशली कराची की बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बल्कि लाहौर वालों को भी। ये सब जो अदर सिटीज़ में होते हैं ना, इन सबको जो है मोस्टली बिरयानी पसंद आती है। कराची वो सामने देखने रेस्टोरेंट है टेस्टी डिलाइट, जो शारजा में, सॉरी हाँ शारजा में होते हैं ना, शारजा में तो है ही, जो शारजा में होते हैं, तो वो तो आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। और हम लोग दुबई से यहाँ आते हैं, बट यहाँ पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है जब अली ऑफिस से आते हैं ना, और यहाँ पे ऑर्डर नहीं करती घर में। ऑर्डर जब करेंगे, जब आप 100+ का आप सामान लेंगे, मतलब आप 100 धरम से ऊपर का ऑर्डर करेंगे, तो ये घर में डिलीवर करेंगे, उसके भी अलग से इनके चार्जेस हैं 25 धरम, तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। और छोटी सी हमारी फैमिली है, तो इतना ज़्यादा तो हम लोग वैसे भी नहीं खाते। बस मुझे यही होते के सामने लिखा हुआ भी है कराची बिरयानी, नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, बड़ा बड़ा इन्होंने मेंशन किया हुआ है कराची, मतलब बिरयानी का इनका पूरा खाना ही आपको पसंद आएगा। जैसे कराची में खाना बनता है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम वैसे ही खाना यहाँ पे बनता है, और रीजनेबल प्राइस में होता है। प्राइस भी यहाँ पे कोई इतने ज़्यादा नहीं है। अच्छा यहाँ पे अली पार्किंग का पूछ रहे थे, हमने गाड़ी काफ़ी दूर लगाई थी, मैं अली को कह भी रही थी अली यहाँ पार्किंग लगा ले, बट वो कहने लगे कि नहीं यहाँ पे पे वगैरह करना होता, तो उन्होंने कंफर्म कर लिया है यहाँ पे, तो आप आइंदा हम आएंगे तो वहीं यहीं करीब में ही पार्किंग लगाएंगे। इतनी कोई गर्मी हो रही है, इतनी कोई शदीद गर्मी हो रही है ना, बिलीव मी मेरे, अभी जैसे मैं घर से बाहर निकली हूँ तो आपके बगैर निकलती नहीं धूप में भाई, तो मैं नकाब लगा के निकलती हूँ। और सनब्लॉक मेरा मस्ट होता है, आप लोगों ने जैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया वह बहुत दफ़ा सनब्लॉक में मस्ट लगाती हूँ। जब से मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने कहा है कि आप सनब्लॉक नहीं लाएंगे तो आपकी स्किन कितनी ज़्यादा इफेक्ट होती है, तो बस मैं सनब्लॉक लगा के निकलती हूँ। उसके बाद भी मेरी स्किन ने मुझे इरीटेशन होने स्टार्ट होने लग गई थी, इतनी कोई गर्मी होती है ना यहाँ पे, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं उनको पता होगा, जैसे सऊदी अरब हो गया, कतर, ओमान, दुबई, जो गल्फ में रहते हैं सबको पता होगा कि इन एरियाज में कितनी ज़्यादा कोई गर्मी होती है। पाकिस्तान वाले परेशान है क्या, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कोई गर्मी। अच्छा यहाँ पर हम लोग ऑर्डर वगैरह देख रहे थे क्या क्या चीज़ें, मुझे मछली खाने का भी दिल चाह रहा था, मैंने कहा फिश है तो बोल दें, कहें कि हमारे पास आपको सारे आइटम्स मिल जाएंगे पर फिश नहीं मिलेगी। बट मैं तो यहाँ पर आई थी सिर्फ और सिर्फ बिरयानी की वजह से, कि मुझे चाहिए थी सिर्फ और सिर्फ बिरयानी, और बिरयानी के लिए ना मैं अली को यहाँ लेती हुई आ गई थी। पर अली यही कह रहे थे, अभी देखो सुबह का टाइम है, हम लोग जा तो रहे हैं, अब आई पता नहीं कि हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसी वजह से ना मैंने आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। मैंने कहा मैं नाश्ता नहीं करने वाली हूँ, मैंने खानी है तो यहीं की बिरयानी खानी है। एनीवेज हम लोगों ने ऑर्डर कर दिए थे, प्लेटर ऑर्डर किया था क्योंकि अली को बारबेक्यू पसंद है, तो वो तो बारबेक्यू लाजमी खाते हैं, मस्ट है उनका बारबेक्यू खाना। और जो है मेरा बिरयानी था, तो मैंने बिरयानी की एक ही प्लेट मंगवाई थी अपनी, तो उसमें तो मुझे पता था मैं हम दोनों मियाँ बीवी का हो जाना है, बच्चे स्पाइसी नहीं खाते यहाँ पर। आपको पता, जब मैं कराची की बिरयानी की बात कर रही हूँ, तो बिरयानी जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है। कराची के सारे खाने जो आपने देखे होंगे, जिन्होंने बहुत जो कराची से बिलोंग करते हैं उनको तो पता ही होगा, कराची के सारे खाने जो है वो स्पाइसी होते हैं। तो एनीवेज बच्चे तो बिरयानी नहीं खाते, तो हम लोगों ने एक ही प्लेट मंगवाई है, और बच्चों को थोड़ा सा हमने इस चिकन मंगवाई थी जो कि नॉन स्पाइसी प्लेटर में हम लोगों ने ऐड करवा दी, तो मलाई बोटी जिसे कहते हैं, तो बच्चों के लिए ना मैंने वो कर दिया था। अच्छा यहाँ पे हमारे पूरी पराठे आ गए, बिरयानी थी और ये प्लेटर, और बहुत सारा रायता भी आया हुआ था, सलाद भी आया था, तो माशाल्लाह से हम लोगों ने सब खा लिया। फिर भी देखें हमारा ये बची जाता है, तो ये पूरी पराठे बच गए थे हमारे और ये प्लेटर थोड़ी सी बच गई थी, तो हम लोगों ने बोला कि चलो इसको पार्सल करवा लेते हैं। तो उसको पार्सल करवाने के चले गए थे अली बाहर, चले गए थे अभी चाय और उन्होंने ऑर्डर की थी। चाय हम लोगों ने सुबह से नहीं पी हुई थी, बिकॉज मैंने कहा था घर से बाहर निकल गए तो बाहर ही जाते हुए पियेंगे, बट फिर मुझे ये था कि पहले खाना खाएंगे उसके बाद ही चाय पियेंगे। एनीवेज अली चले गए थे बाहर क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी, और अली ने पार्किंग में ना गाड़ी बहुत दूर लगाई हुई थी, तो मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगी बाहर भाई, मुझे तो घबराहट हो रही थी इतनी कुछ ज़्यादा। और फिर मैंने बहिरा को, महात को अपने पास रुक लिया था, अली और महात चले गए थे पार्किंग से, गाड़ी लेकर आ रहे थे यहीं पर ही, कह रहे हैं कि मैं यहीं पर ही ले आता हूँ, रेस्टोरेंट के पास ही ले आता हूँ। तो बस चाय मैंने, अली ने कहा था चाय पी लो, पर मैंने कहा था नहीं यार चाय ना गाड़ी में जाते हुए पी लेंगे, अभी नहीं पी रही, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और अंदर का एसी भी ऐसा लग रहा था चल ही नहीं रहा, जबकि बहुत तेज़ इन्होंने एसी चलाया हुआ था। बट बिलीव मी इस टाइम पर तो मैं कहूँगी आप गर्मियों में बाहर निकले ही नहीं, अभी पहली वाली गर्मी तो मुझे लगी नहीं रही, वैसे भी गर्मी होती है लेकिन इस बार तो मुझे कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। मतलब ये आप एसी चल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि
वजह से एसी ऑन ही नहीं है। तो मैंने बिलीव मी, जब हम लोग खाना खा रहे थे ना, स्पेशली जब मैं बिरयानी खा रही थी, तो मुझे तो पसीने बकायदा आ रहे थे, इतनी ज़्यादा मुझे स्वेटिंग हो रही थी बिरयानी खाते हुए। तो स्पाइसी भी थी, और दूसरा ऐसा लगा था जैसे बहुत ज़्यादा कोई गर्मी हो रही है। एनी वेज, अली की कार आ गई है, आप लोगों को दिख रही होगी, और आप लोगों को तो याद भी हो गई होगी कि अली की कार कौन सी वाली है। तो बस मैं चाय का कप यहाँ साथ लेके जा रही थी, और गोद में ना मेरे महाथ भी था, और बस यहाँ पे अली आ गए थे। तो मैंने बोला कि अब जाने का टाइम हो गया है, और देखिए अभी ना हमारा पेट बहुत ज़्यादा फुल हो गया था, और मेरा बिल्कुल भी जाने का इरादा नहीं बन रहा था। बट मुझे ऐसा होता है, मैं लॉन्ग सफ़र करती हूँ तो मुझे लाजमी वॉमिट होती है। बस अभी मैंने अली को चाय का कप दिया है। मेरे साथ ना ये इशू होता है जब मैं ट्रैवलिंग करती हूँ, तो मेरे बच्चों को भी है, दोनों बच्चों को मेरे साथ यही इशू है कि उनको भी वॉमिट हो जाती है। और यही हुआ, सेम यही चीज़ हुई कि माँ जो मुझे वॉमिट हो गई थी, तो इसीलिए जो है ना अली ने भी वापस गाड़ी घर की तरफ ले ली। हम लोग ज़्यादा कुछ ऐसा तो हमने नहीं किया था तय, थोड़ा ही बहुत हम लोग आगे गए थे, बट मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, सारा खाया पिया बाहर आ गया था ताकि एरोप्लेन जा रहा है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। और बस सोचा क्या था, हुआ क्या था, सारे ड्रेस वगैरह हम लेकर गए थे, सब हम लोग वापस लेकर आ गए हैं क्योंकि इवेंट काफ़ी बड़ा था। खैर, मिलती हूँ आपसे फिर से नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा। और मेरा ये व्लॉग जो है ना अपनी फैमिली फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।